दोस्तों आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 को इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा 14 दिन तक स्लीप मोड में रखा गया था, लेकिन अब 14 दिन पूरे हो चुके हैं। चांद पर 14 दिन बाद सुबह होने वाली है। इसके साथ ही चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को एक बार फिर से एक्टिव करने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल लैंडर और रोवर स्लीप मोड पर हैं। जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी वहां यानी शिव शक्ति प्वाइंट पर बीते 14 दिन से रात थी और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। अगर विक्रम और प्रज्ञान स्लीप मोड से जागे और दोबारा काम करने लगे तो इसरो के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। चंद्रमा के शिव शक्ति प्वाइंट पर उजाला होने वाला है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफल लैंडिंग करने के बाद फिर से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर से काम करने की उम्मीद है। चांद पर 14 दिनों की रात के बाद एक बार फिर से 22 सितंबर यानी आज दक्षिणी ध्रुव के हिस्से पर सूर्योदय होगा। चंद्रमा के शिव शक्ति प्वाइंट पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक बार फिर सूरज की रोशनी इनके सोलर पैनल पर पड़ते ही विक्रम और प्रज्ञान काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि शिव शक्ति प्वाइंट जहां लैंडर और रोवर स्लीप मोड किए गए हैं वहां सूर्योदय के बाद इनके पिलोट दोबारा काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो की टीम दोबारा इनके साथ कम्युनिकेशन का प्रयास करेगी। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों उपकरण दोबारा काम करना शुरू करेंगे यानी चांद से जुड़े और जानकारियां दुनिया को दोबारा मिल सकेंगे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं जो कि चांद के अंधेरे हिस्से में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं ध्रुवों पर तो यह -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना कम तापमान किसी भी मशीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, पर 140 करोड़ देशवासियों को उम्मीद है कि रोवर और लैंडर दोबारा चांद पर चहलकदमी जरूर करेंगे। इस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जोड़ी पिछले 15 दिनों से स्लीप मोड थे और आज सुबह 8 बजे चालू होने वाली थी, लेकिन अब जब दोबारा चांद पर सूरज निकल रहा है तो इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ मिलकर इसे दोबारा से संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं। सूरज निकलने के बाद वैज्ञानिक लैंडर और रोवर के रिचार्ज होने का इंतजार करेंगे और अगर रोवर और लैंडर फिर से चालू हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के इस टेक्नोलॉजी को दुनिया लोहा मानेगी, क्योंकि -250 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 14 दिन तक किसी भी उपकरण का टिकना कोई आम बात नहीं है। वैसे भी इसरो पूरी दुनिया को सस्ते कीमत पर दूसरे देशों के सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिटल में ले जाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों अभी चांद के दक्षिणी ध्रुव में सुबह हो चुकी है और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल में रोशनी पड़नी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह चार्ज होने के लिए 1 या 2 दिन का समय चाहिए। इसके बाद इसके रिसीवर से फिर से इसरो के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 की जगने के लिए आप लोग नीचे कमेंट में इसरो के लिए दुआएं जरूर कीजिएगा और चंद्रयान 3 की आने वाली नए अपडेट के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरें आपके लिए लाती रहूं।